हाँ कर सकते हैं, पता है ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत है, मतलब कोई लिमिट नहीं है ना क्वेश्चंस की। हमें हर टीचर अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें करा सकता है, ये है बस। चलो सो गाइस बोर्ड पे देखिए भाई, अब इम्पोर्टेंट है। देखना वीडियो चालू कर दी है मैंने एक बार, देखना। नहीं बस चालू होनी चाहिए बस। सो अब बोर्ड पे देखो बच्चों, क्या तुम लोगों को याद है कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि एक शीट जो होती है वो अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। अब एक जो मेरे पास चार्ज शीट है वो अपने इस तरफ या इस तरफ बेसिकली प्रॉपर यूनिफॉर्म फील्ड्स क्रिएट करेगी, और कितनी करेगी तो एक प्लस वाली शीट जो है वो कितनी करेगी, सिग्मा अपॉन में क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस तरफ को ऐसे करेगी और इस तरफ को ऐसे करेगी, और कितनी करेगी बोलो, सिग्मा अपॉन में। और आपको पता है दूरी के साथ ही डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगी, ये भी समझ में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल क्लियर है सचिन? अच्छा लेकिन अगर ये शीट माइनस की हो जाए तो क्या होगा? तो माइनस की शीट में सिर्फ इतना सा बदलाव आने वाला है कि अगर शीट माइनस की हो जाती है तो मैं इसको कहां करूं, इसको मिटा देते हैं। चलो अगर यही शीट बच्चों माइनस की हो जाए, फोकस करिएगा, अगर यही शीट हमारी माइनस की हो जाए तो शीट तो माइनस की होने से बस क्या होती है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी भाई, है ना? सरफेस डेंसिटी नेगेटिव में आ जाएगी, तो मेरे पास जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां की तरफ हो जाएगी बोलो, फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ हो जाएगी, ये क्या हो रहा है, समझ रहे हैं बात को? कुछ इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी बस बाहर की बजाय, लेकिन जो स्ट्रेंथ रहेगा फील्ड का वो कितना रहेगा बोलो, तो स्ट्रेंथ का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, ई बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कहते माइनस क्यों नहीं लिया, तो याद करिए कि शुरू से ही मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आपको माइनस या प्लस साइन डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है बस, आपको मैग्नीट्यूड के वक्त पे उसको कंसिडर नहीं करना है। तो आप लोग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन बोलेंगे, मान लो तो सिंपल सी बात है, एक शीट प्लस की चार्ज है तो भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, एक माइनस की चार्ज है उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी से तो उसकी फील्ड भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बस फर्क इतना होगा प्लस में बाहर की तरफ होगा तो माइनस में अंदर की तरफ होगा। इज दिस फाइन? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है पक्का? ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो मैंने जो क्वेश्चन तुम लोगों से बोला है वो ये बोला है कि मान लीजिए कि मेरे पास दो शीट है, मेरे पास एक शीट है जिसके ऊपर जो चार्ज है बच्चों वो प्लस का है, और जो दूसरी शीट है बच्चों मान लेता हूं कि वो भी मेरे पास है चार्ज, और उसके ऊपर भी चार्ज जो है बच्चों प्लस का ही है, मतलब दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में है। ठीक है ऐसा कर देते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये कि बताइए तीन रीजन्स हम आप लोगों को दे रहे हैं, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। आपको इन तीनों रीजन्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब मुझे एक छोटी सी बात का आप जवाब देंगे भाई, जो पहले वाली शीट है उसकी इस पॉइंट पर इधर कहीं रीजन नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, सब बच्चे बताओ। तो प्लस वाला तो अपने बाहर की तरफ ही बनाता है, तो ये बनाएगा बाहर की तरफ, और आपको पता है कि कितनी स्ट्रेंथ से बनाएगा बताओ जरा, पहले वाला सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सबको ये लगता है। फिर मुझे बताओ जरा दूसरी वाली जो शीट है, जो दूसरी वाली शीट है वो भी अपने इस तरफ तो लेफ्ट साइड पे तो अपने बाहर की तरफ ही बनाएगी, और कितनी स्ट्रेंथ से बनाएगी बताओ जरा, तो कितनी स्ट्रेंथ से बनाएगी, तो हम बोलेंगे वो भी होगा सिग्मा अपॉन में, क्योंकि सिग्मा ही उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आपको पता है दूरी से कोई फर्क पड़ता नहीं है शीट के केसेस के अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ नहीं आ रहा तो मुझे आप लोग बताना शुरू करें कि इन रीजन 1, अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो रीजन 1 के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, दोनों जुड़ जाएंगी तो बोलो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल गिव्स यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इज दिस फाइन? कोई मुश्किल लगने वाली चीज है नहीं। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से करता हूँ कि बीच में आ जाओ रीजन 1 रीजन 2 में आ जाओ, तो रीजन 2 में सब बच्चे बताना भाई, ये वाली प्लस शीट यहां पर फील्ड किस तरफ को फेंकेगी, बाहर की तरफ को, ऑब्वियस सी बात है प्लस वाला हमेशा अपने बाहर की तरफ बनाता है, और इस वाले प्लस के लिए बाहर की तरफ तो ये वाली साइड होगा, तो ये वाला कहां बनेगा बताओ जरा। सो मैंने बोला ये पहले वाली जो बनेगी यानी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट उस तरफ बनेगी, और जो इसकी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगी वो इस तरफ बनेगी। क्या मैं सही बना रहा हूं? और क्योंकि दोनों की बिल्कुल बराबर है तो बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो इन रीजन टू योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E1 माइनस E2, एंड क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों आपको ना टॉपिक की समझ होनी थोड़ी जरूरी है कि हमने पहले क्या करा है उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है। ठीक है इसके बाद आ जाओ रीजन 3 में,
जरा बताओगे रीजन थर्ड में क्या होने वाला है? बोलो, इस प्लस शीट की वजह से फील्ड कहां बनेगी? बोलो, बाहर की तरफ। तो ऐसे बनेगी, और कितनी बनेगी? सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट, और सेम एट द सेम टाइम मुझे बताइए दूसरे वाली शीट ने भी कहां की तरफ बनानी है? बाहर की तरफ ही। और कितनी बनाएगी? बोलो, सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट। सो इन रीजन थ्री, अगर मैं रीजन थ्री की बात करूं बच्चों, तो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो कितना होने वाला है? E1 प्लस में E2, दैट इज सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट, सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट, दैट इज टू टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट। दिस विल गिव्स यू सिग्मा अपॉन में, अरे यार नहीं आ रहा समझ में। तो अगर दो शीट ली जाएंगी तो क्या होने वाला है वो क्लियर हो गया? आ गया समझ में? अच्छा, अब इसी के अंदर अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं कि अगर मान लो मैं बोल दूं कि एक प्लस की ले लेता हूं, एक शीट एक माइनस की ले लेता हूं, कोई नहीं, कल से उसी वाले पे काम करेंगे, मेरे को भी इसमें मजा नहीं आ रहा। तो मान लो एक पे प्लस है और एक पे बोलो क्या है? माइनस है। और मैंने क्या कहा कि जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मान लो कितनी है? प्लस सिग्मा, और इसकी बोलो कितनी है? माइनस सिग्मा। बट फिर वही बात है, आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपको प्लस माइनस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस ये प्लस और माइनस साइन के लिए इस्तेमाल करना है। इज दिस फाइन? तो आप लोग क्या करेंगे बोलो? अब रीजन वन की बात अगर हम करते हैं, रीजन वन की बात करते हैं, सो प्लस वाले की फील्ड कहाँ की तरफ बनेगी? बाहर की तरफ। अरे सही कह रहा हूँ? तो पहले वाली शीट ने बनाई फील्ड कितने की? पहले वाली जो शीट है वो कितने की बना रही है? बोलो, सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे वाली जो माइनस वाली शीट है, आप लोगों से बस ये बताइए कि माइनस वाली शीट जो है किस तरफ बनाएगी? अपनी तरफ बनाएगी। अगर वो अपनी तरफ बनाएगी, ए इधर भाई, अपनी तरफ कितनी बनाएगी? सिग्मा अपॉन में, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। इस बार नहीं आ रही बात समझ में? तो अगर मैं रीजन वन की बात करूंगा इस बार, तो कितना हो जाएगा वो बताएगा? बहुत अच्छे, इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दिस विल गिव्स यू। कुछ क्लियर हो रहा है या ऐसे ही जा रहा है सर के ऊपर से? पक्का? बहुत आसान चीज है ये, तनिशा नहीं आ रही बस समझ में? उसके बाद अगर मैं रीजन टू की बात करूं बच्चों, तो रीजन टू में क्या होने वाला है? यहाँ की पिक्चर भी समझने की कोशिश करते हैं। ए बस भाई, तो रीजन टू में प्लस वाला बनाएगा बाहर की तरफ, माइनस वाला बनाएगा अपनी तरफ ही। सो ये इवन बनेगा ऐसे, और माइनस वाला इसको बनाएगा अपनी तरफ E2 करके। तो बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? तो नेट आ जाएगा सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट, दिस इज टू टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट, दिस इज सिग्मा अपॉन में अब साइलेंट नॉट। तो इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे आ जाएगा। और मेरे को लगता है शायद अब आप लोग इतने समझदार हैं कि तीसरे वाले में कितना होगा बता सकते हो? तो प्लस वाला कहां की तरफ बनाएगा पहले ये बताओ? अच्छा, माइनस वाला बनाएगा अपनी तरफ, और प्लस वाला कहां की तरफ बनाएगा? प्लस वाला बनाएगा बाहर की तरफ। सो इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इवन माइनस ई टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू ऑफ साइलेंट नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट, दिस विल गिव्स यू जीरो। इज दिस फाइन? तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा मुश्किल आने वाली है नहीं। अगर दोनों शीट प्लस की आ जाए, दोनों शीट माइनस की आ जाए, दोनों शीट एक प्लस माइनस की आ जाए, तो भी केस हो जाएगा बोलो? पक्की बात है। अच्छा एक लास्ट मैं आपसे इसमें सवाल पूछता हूँ, मान लो कभी ऐसा ये कर दे अगर क्वेश्चन में कि एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन कर दे और एक की बोलो सिग्मा टू कर दे, एक की सिग्मा वन और एक की सिग्मा टू, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग कर दे, तो फिर दोनों की बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी तो नहीं बनेगी? मतलब किसी की थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, किसी की थोड़ी सी कम होगी, और ऐसा बता दे कि सिग्मा वन सिग्मा टू से ज्यादा है, सिग्मा वन सिग्मा टू से ले लो ऐसा कैसे? सो मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया इस तरह का, और क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करके रखनी चाहिए, कि मान लो कि आपको बोल दिया कि मेरे पास एक शीट है प्लस की, एक शीट है प्लस की उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है, एंड दूसरी शीट है मेरे पास प्लस की और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू है, तो बस ध्यान रखना है कि दोनों की बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होगी। इस बार सेंटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली समझ में आ रहा है? और ये बता दिया उसने, मान लो कि सिग्मा वन जो है ना वो सिग्मा टू से बोलो क्या है? ज्यादा है। ये बता दिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाले पे दूसरे वाले के मुकाबले बोलो क्या है? ज्यादा है। अगर उसने ऐसा बोल दिया तो फिर मेरे लिए काम आसान है बिल्कुल, क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि पहले वाला ना इस रीजन के अंदर, देखो पहले वाला जो है शीट इस रीजन में बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, जो कि कितनी होगी बोलो? सिग्मा वन अपॉन में टू ऑफ साइलेंट नॉट। क्या मैं सही लिख रहा हूं? और दूसरे वाला बनाएगा अपने बाहर की तरफ, अपने बाहर की तरफ मतलब इस तरफ को, और वो बनाएगा बोलो कितनी? ई टू।
और जो E2 बनेगी वो बनेगी सिग्मा 2 अपॉन में 2 ऑफ साइलेंट नॉट, लेकिन दोनों इस बार बराबर नहीं होंगी। बराबर क्यों नहीं होंगी? बिकॉज सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बोलो क्या है, ज्यादा है, तो इसके ऊपर चार थोड़ा ज्यादा है, तो इसकी E1 थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और E2 थोड़ी सी वीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार सेंटर में कितनी मिलने वाली है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार मिलने वाली है E1 माइनस बोलो क्या E2, और इस बार आंसर जीरो नहीं होगा। जैसे पिछली बार के केस में अगर आप देखें तो सेंटर में जीरो बन गया था, क्योंकि जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका उतना सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका, तो नेट सेल कितना हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इस बार ये जीरो मिलने वाला, तो आप लोग कितना बोलेंगे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए, बन गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शीट्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है? अगर मैं शीट्स के बाहर पूछूं तो बता पाओगे? बताना इधर कितनी होगी, बोलो ये प्लस वाला कहां बनाएगा बाहर, वो प्लस वाला भी कहां बनाएगा, ये भी बाहर ही बनाएगा ना, दोनों बाहर बनाएंगे। हाँ, तो बेसिकली क्या बोलोगे, दूसरे वाले की बोलोगे सिग्मा 2 अपॉन 2 ऑफ साइलेंट नॉट, और पहले वाले की बोलो क्या बोलोगे, सिग्मा 1 अपॉन में 2 ऑफ साइलेंट नॉट। तो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, सो E1 प्लस E2, सो E1 प्लस E2 करोगे तो वो आ जाएगा ना 1 अपॉन में 2 ऑफ साइलेंट नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। अरे सही बात है कि नहीं? वो तो बात ऐसी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर थी तो बराबर थी, तो जीरो हो गया, और अगर बराबर यहां पर होती तो 2 सिग्मा आया था, 2 सिग्मा 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, लक्ष्य नहीं आ रही बस। तो बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। पक्का बताओ, कोई समस्या है तो बोलो अभी के भी। आगे बढ़ू? कुछ नोट करना है इसमें से? ठीक है, ओके। सो अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। ये बेसिकली आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑन रिंग। एक रिंग के ऊपर अगर चार्ज हो तो वो अपने चारों तरफ या अपने एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हमारा सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक फाइनल टच देखेंगे चैप्टर की तरफ की, भैया क्या क्या हमने करा है क्या नहीं करा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट होगा, नया चैप्टर, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ कूलम्स का इन्वर्टर फॉर्म भी है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, और तो कुछ नहीं बचा हुआ, और तो क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। सो गाइज, दैट इज, अब लिख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग हैविंग चार्ज। ध्यान देना, चलो, बहुत ही अच्छा केस है, बहुत ही अच्छा केस है बच्चों। और ये बस लास्ट, आप मान के चलिएगा डेरिवेशन एस्पेक्ट पे ये लास्ट ही टॉपिक है वैसे। तो करना क्या है ना, वो समझने की कोशिश करें बच्चों, क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। बीएस को गेट को बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो बाहर पीछे वाली, याद जली रह गई। क्या हो गया? हाँ सही सही करी थी, पहले सही करी थी, हाँ हो गई। कल तुम सब बच्चे छुट्टी भी होते भाई, लड़कियां सारी कल बहुत बच्चे छुट्टी भी थे तुम लड़कियों लोग, है ना, क्या नाम, तो सब आए थे कल, ऐसे क्यों लग रहा था कि नहीं आए थे। चलिए क्लास इधर, अब सिचुएशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चा मुझे कड़ा दो, एक ठीक है। अब ये बेसिकली एक रिंग टाइप है और इसके ऊपर पूरे पे चार्ज है, पूरे पे क्या है, चार्ज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे समझना, ओए ध्यान से देखो, बहुत सिंपल ड्राइव है और आ जाएगा अच्छे समझ में अगर ध्यान से देखोगे तो। तो ये बेसिकली एक रिंग है, जैसे मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हारा एक पॉइंट चार्ज क्यू है तो उससे आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पता है, 1/4πε0 q/r। अब सवाल थोड़ा सा बदल गया, उसने बोला है कि भैया एक रिंग पे चार्ज है, हमने हालांकि लाइन पे चार्ज हो तो भी पढ़ लिया आर दूरी पे कितना होगा, हमने पढ़ लिया एक शीट पे चार्ज हो तो भी आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने पढ़ लिया एक स्फीयर पे चार्ज हो तो भी आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पढ़ लिया, हमने बोला डायपोल हो दो चार्जेस ऐसे दूरी पे रखे हो
तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सियल इक्विटोरियल में वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले कि अगर चार्ज किसी रिंग पे हो तो कितना होगा। तो कुल मिलाकर शायद 5 से 6 केसेस हमने ऐसे पढ़े कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्जेस को हमने रखा है, जैसे लाइन पे रखा, शीट पे रखा, स्फीयर पे रखा, समझ आ रही बात, एक पॉइंट पे रखा, दो पॉइंट्स पे रखा, तो कितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सब पढ़ लिया है। तो अब हम लास्ट केस पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं किसी चार्ज को ऐसे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो उसके एक्सिस पर, अब एक्सिस कहाँ होता है इसका, रिंग का एक्सिस होता है इसके सेंटर से, यहां से एक लाइन जाएगी। मान लीजिए मैं पेन ऐसे रख लेता हूँ, ये यहां पर इस तरीके से समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो सेंटर से ये एक्सिस जा रहा है बेसिकली, ध्यान सुनिए, इस तरीके से यहां कोई एक पॉइंट है, यहां पर मुझे बोलो क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आया, इस चार्ज रिंग की वजह से इसके ऊपर कुछ चार्ज है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, और हमें इस चार्ज रिंग की वजह से इधर एक पॉइंट है, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला बनाना है। क्लियर है कि नहीं? अब मैं तुम लोगों को बता देता हूं हमें मिलेगा क्या क्या। मान लीजिए कि मेरे पास एक रिंग है, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा केस है, ये मेरे पास एक रिंग है और इसको मैं चार्ज कर देता हूं। चार्ज कैसे करें? कर दी चार्ज। अब बात समझो, ए बातें नहीं प्लीज। अब आप लोगों को एक तो वो क्या देता है कि इस रिंग का रेडियस क्या है, मान लो ए रेडियस है, कितना रेडियस है बोलो, ए इसका रेडियस है, और बोलता है सेंटर से एक फलाना दूरी पे एक पॉइंट है, मान लो ये एक्स दूरी है, कितनी दूरी है बोलो, एक्स दूरी। इस एक्स दूरी पर आप लोगों को बताना है कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। इस पॉइंट पर वो तुमसे क्या जानना चाह रहा है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सवाल हमारा ये है, पहले सवाल समझ में आता है कि नहीं आता पहले उस चीज को बताइए भाई। हाँ भाई, सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो एक रिंग है, उसका रेडियस बोलो कितना है, ए है, और ये केस ऐसे नहीं है बच्चों, ऐसे रखी हुई है रिंग, ठीक है ना, थोड़ा 3D है रिंग, ऐसे रखी हुई है, इसका रेडियस ए है, एक्स दूरी पे बताना है। एक चीज और आपको मिलेगी, वो होगी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बोलो, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो किसी लेंथ पे फैला हुआ है, किसपे फैला हुआ, लेंथ पे। तो चार्ज ऑन वन यूनिट लेंथ कितना है, वो होता है लैम्डा। तो लैम्डा हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, लैम्डा। इज दिस क्लियर? लक्ष्य पक्का? तो मेरी बात को समझे, हमें तीन चीजें मिलेंगी, हमें बोलो क्या क्या गिवन होगा, सुन लीजिए, हमें क्या क्या पता है, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर ही, कि हमें लैम्डा मान लो पता है, हमें ए पता है, और हमें पता बोलो क्या, एक्स, और हमें क्या पूछा गया बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक सिंपल सी चीज है, मुझे वो क्या इन्फॉर्मेशन देगा, कहेगा एक रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है। अच्छा मुझे छोटी सी बात हो यार, बार बार लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देने का मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे चार्ज पता लग चुका है, मुझे चार्ज पता लग चुका है। कैसे? अगर किसी ने बोला इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 5 यूनिट है, क्या मतलब इसका, इसके एक यूनिट लेंथ पे कितने कूलम चार्ज है, 5 कूलम, यही मतलब है। अब इसकी पूरी कितनी लेंथ है, तो वो तो भैया 2πr से पता लग जाएगा ना, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो 2πr मेरे को पता लग गया, मान लो 10 यूनिट की लेंथ है, तो निकल जाएगा कितना चार्ज है, बोलो नहीं आ रहा समझेगा, सिंपल है। इसलिए वो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी दे रहा है, तो समझिए मुझे चार्ज पता लग जा रहा है, विशेष नहीं आई बात समझे। अगर एक यूनिट लेंथ पे चार्ज पता है, तो पूरी 2πr लेंथ पे कितना होगा, वो तो वैसे निकल जाएगा ना, और 2πr कैसे निकलेगा, अरे ये दे तो रहा है तुम्हें। निखिल बात समझ में आ रही है? अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को निपटाना कैसे। अब यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना, पता है करते क्या है बच्चों, हम सबको एक बात तो सिखाई जा चुकी है कि एक स्मॉल पॉइंट चार्ज क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी फील्ड बनाएगा, 1/4πε0 q/ में क्या, आर स्क्वायर, हम उसी के थ्रू इस ड्राइव को करने वाले। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं ये तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो पूरे में फैला हुआ है, लेकिन अगर सोचो कि मैं बहुत छोटी सी लेंथ कंसिडर करूं, बच्चों अच्छे से सुनना, ये बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं मैं, अब मैं एक छोटी सी डीएल लेंथ कंसिडर करूं यहां पर, ये छोटी सी डीएल लेंथ कंसिडर करूं, डीएल लेंथ, ठीक है। मैं काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, फोकस करना भाई, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा मैं 3-4 स्टेप का ड्राइव इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो सीधे चल जाएगा। मैंने बोला एक छोटी सी डीएल लेंथ कंसीडर करी मैंने इसके ऊपर, इस रिंग के ऊपर, सचिन यहां पर, तो छोटी सी अगर मैं डीएल लेंथ कर रहा हूं, तो इस छोटी सी डीएल लेंथ पे चार्ज भी थोड़ा ही होगा, बोलो है कि नहीं। अरे भैया एक बात बताओ, अगर पूरी एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, 2 यूनिट लेंथ पे कितना होगा, 2λ, 3 लेंथ पे 3λ, मैं कह रहा हूँ डीएल लेंथ पे भी चार्ज होगा, कितना होगा बोलो, लैम्डा डीएल, या डीएल लैम्डा, एक यूनिट लेंथ पे लैम्डा, तो 2 यूनिट पे 2λ, 3 यूनिट पे 3λ, तो मैं कह रहा हूँ डीएल लेंथ पे कितना होगा, डीएल लैम्डा। लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटी सी डीएल लेंथ, बहुत छोटी लेंथ होती है, बहुत छोटी लेंथ दे रहे हैं, तो वो जो चार्ज होगा डीएल लैम्डा, वो चार्ज तो बहुत छोटा चार्ज होगा, तो क्या मैं उस चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। बादल यहाँ पर जान दोगे। सो क्वेश्चन क्या है कि भैया ये मान लो मेरे पास एक रिंग है, और इस रिंग को बेसिकली मैंने मान लिया कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है, वो चार्ज मैं डिनोट कर देता हूँ प्लस प्लस बना के, कोई नहीं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब समझे बच्चों बात को, और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना है,
ए रेडियस है, एक्स दूरी पर हम चाह रहे हैं एक पॉइंट है, और वहां पर हम चाह रहे हैं कि वहां पर क्या पता लग जाए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक पॉइंट है जहां पर मैं चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता लग जाए। सवाल यही था, मुझे क्या क्या एग्जामिनर दे देगा, मुझे एग्जामिनर बताएगा पता है तीन से चार चीजों के बारे में। वो क्या होगा, वो मुझे बता देगा कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो मुझे ए के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो मुझे एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और मुझे क्या पूछेगा बोलो, ई डिमांड करेगा। इज दिस फाइन? वो मुझे बोलेगा एक रिंग है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी 5 कूलम पर मीटर है, उसका रेडियस हमारा 3 यूनिट है, आपको 10 यूनिट दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। क्लियर है? फॉर्मुला समझ में आ जाएगा तो काम बन जाएगा, लेकिन वो फॉर्मुला बना कैसे मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे भी। क्लियर है? तो फॉर्मुला बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उसको काम करेंगे। सो गाइज, अब हमने करा क्या, हमने एक चीज सोची, ध्यान देना कि यार हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो पता है। फोकस करना क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो पता है। कितनी बोलो, 1/4πε0Q/r2। मैंने कहा रिंग को ना मैं छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस जुड़े होंगे तब जाके तो एक रिंग पे चार्ज क्रिएट हुआ होगा। ईशब, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस जुड़े होंगे तो बोलो क्या बना हुआ, एक रिंग पे पूरा चार्ज बन गया होगा। तो मैंने करा कि मैंने कहा ना एक छोटी सी लेंथ ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ ले लेता हूँ, डीएल लेंथ। कितनी लेंथ बोलो, डीएल लेंथ। अब छोटी सी लेंथ पे तो थोड़ा ही चार्ज होगा ना, और कितना चार्ज होगा, तो मैंने कहा एक यूनिट लेंथ पे अगर लैम्डा चार्ज है तो डीएल यूनिट लेंथ पे कितना होगा, डीएल लैम्डा, या लैम्डा डीएल बोल दूं। तो ये जो लैम्डा डीएल चार्ज है, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि जो लैम्डा डीएल चार्ज है ये स्मॉल डीक्यू है। मतलब कि बोल सकता हूँ कि जो ये डीएल लेंथ पे चार्ज है ना, ये थोड़ा सा डीक्यू स्मॉल चार्ज है। क्लियर है या नहीं, मुझे बस इतना बताओ। ये समझ नहीं आ रहा सर, मैंने एक छोटी सी डीएल लेंथ ली तो छोटी सी डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा डीएल। ये लॉजिकल सेंस में पता लगता है, बिकॉज लैम्डा बताता है एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, तो डीएल लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा डीएल। तो मैंने कहा वो स्मॉल चार्ज डीक्यू मेरा कितना है, बोला लैम्डा डीएल। अब थोड़ा सा चार्ज है तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। अब कितनी बना रहा होगा थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करनी है। मान लो कि ये मेरे पास इस तरीके से पोजीशन है, इस तरीके से है, और ये मेरा पॉइंट चार्ज है। सो यू नो दैट कि जो पॉइंट चार्ज है ना, वो अपने चारों तरफ फील्ड निकाल रहा होगा पॉइंट चार्ज, तो ना। तो मान लो कि इस जगह पर कैसे जा रही होगी इसकी फील्ड, ऐसे जा रही होगी, यही बात है वंशिका। अगर यहाँ पर कोई चार्ज है तो उसकी फील्ड कैसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, सीधी जा रही होगी। तो मैंने क्या करा, फोकस करना इंपॉर्टेंट है कि इसकी फील्ड, इस डीक्यू चार्ज की फील्ड इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, मुझे बस इतना बताओ। और मैं इसको नाम दे देता हूं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी। इज दिस फाइन? है ना, क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से बन रही है। और वो कितनी बनेगी जरा मुझे बताओ, जरा आप लोग कितनी बनेगी। हाँ भाई, बातें नहीं भी, तो मुझे बताओ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज DQ is, जरा बताओ भाई, एक DQ चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी बोलो, 1/4πε0, क्योंकि तुम्हें पता Q/r2, तो बोलोगे DQ by में बोलो क्या, r2। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, इसमें r बोलो क्या होगा, r ये दूरी होगी। क्लियर है या नहीं, विशेष को नहीं आया समझ में? विशेष यहां पर एक Q चार्ज है, मैंने बोला, इधर ध्यान सुनो, मैंने पूरी रिंग कंसीडर ही नहीं करी, मैंने कहा एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बोलो, पॉइंट चार्ज। और वो छोटी सी पॉइंट चार्ज मैंने डीएल लेंथ में माना, तो छोटी सी डीएल लेंथ में थोड़ा ही चार्ज होगा ना, उसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा चार्ज है भाई। तो मैंने कहा डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा डीएल। तो मैंने कहा लैम्डा डीएल चार्ज है, डीक्यू चार्ज है बेसिकली, वो इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो हमने पढ़ा तो है कि एक पॉइंट चार्ज जो होता है, ये बात तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, 1/4πε0Q/r में क्या। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि डीक्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 1/4πε0DQ/r में क्या, r। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात, नहीं आई बात समझ? अब सुनो पूरी बात ध्यान से, आगे मैं ये बोलता हूं, ध्यान से चलना, कि 1/4πε0 और मैं इस DQ को बोलो क्या लिख सकता हूं, लैम्डा डीएल। इज दिस क्लियर? अब मुझे बताओ, ये है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल DQ चार्ज, और वो ऐसे जा रही है। लेकिन क्या रिंग पे सिर्फ अकेला ये पॉइंट चार्ज है क्या, रिंग पे तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, और मुझे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, मुझे सभी पॉइंट चार्ज कंसीडर करना चाहिए, बोलो है कि नहीं। तो मैंने क्या करना, अब ध्यान सुनना, अगर मैंने एक ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज लिया है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई है, तो मुझे बताओ जो नीचे वाला स्मॉल क्यू चार्ज होगा वो ऐसे बनाएगा, सहमत होगी नहीं? तो मैंने कहा भैया जैसे ऊपर डी क्यू चार्ज है, वैसे सर एक स्मॉल डी क्यू चार्ज तो नीचे भी है ना, बोलो यहां पर भी है कि नहीं, और ये डी क्यू चार्ज भी बोलो आप लोगों के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो वो लेकिन कैसे बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, बोलो एग्री करते हो तो बोलो, नहीं तो बताओ, पक्की बात है? अच्छा, कितने मैग्नीट्यूड की बनाएगा, एक बार मुझे फॉर्मूला बता दो उसको, कितना आएगा, 1/4πε0DQ/r2, क्योंकि अगर वो r है, इधर भाई
वो आर है तो ये भी क्या होगा आर, क्योंकि अगर मैं देखूं तो अगर इस सेंटर से जा रही है तो ये वाली दूरी, ये बाद में डिस्कशन कर लेना आप लोग, मेरे को डाउट है तो मुझे बताओ, ऊपर से भी आर होगा नीचे से भी क्या होगा आर ही होगा, ये डी क्यू है तो ये भी डी क्यू है, स्मॉल क्यू चार्ज ही है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगी नहीं बनेगी, मैग्नीट्यूड सेम बनेगा डायरेक्शन सेम नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्शन से हमें दिक्कत नहीं, बाद में हमें रिजल्ट निकालना आता है, बोला आता है कि नहीं आता। अच्छा मुझे बताओ दो की वजह से तो ये है, अब तीसरा एक डी क्यू चार्ज यहाँ भी होगा, अब दिमाग लगाना है भाई सब बच्चों को, आशीष और आदर्श छोड़ दो भी, एक डी क्यू चार्ज यहाँ भी होगा साइड में, अब वो साइड में जो डी क्यू चार्ज है वो कैसी बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऐसी बनाएगा, बोला है कि नहीं, और जो यहाँ डी क्यू चार्ज है वो कैसी बनाएगा, वो ऐसी बनाएगा, अरे नहीं यार समझ में, ऊपर वाला कैसी बना रहा है ऐसी, नीचे वाला ऐसी, साइड वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, बोला है कि नहीं, थोड़ा यहाँ वाला तिरछा वाला ले लो वो ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे लेके जाएगा, कहने का मतलब ये वाला फिर ऐसे, ये वाला ऐसे, मतलब मेरे को यहाँ पता है क्या दिखेगा, यहाँ पर सारे पॉइंट चार्जेस फील्ड बना रहे हैं और कुछ ऐसे गुच्छा सा बन रहा है फील्ड का, बोला है कि नहीं, समझे नहीं कैसे, देखो इस तरीके से ऐसे दिखेगा, अरे कैसे हो गया ये, नहीं समझे भैया, आपके बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है ना, फोकस करिए, बहुत सारे देखो समझते हैं ना ड्राइव को, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर समझ के कर रहे हो, रटने वाली बात है तो भैया चार स्टेप पर कोई भी रट लेगा, लेकिन आप समझ के देखिए कि मुश्किल नहीं होते ड्राइव समझने, तो मैंने एक एक पॉइंट चार्ज की वजह से ली इलेक्ट्रिक व्हील और एक की वजह से डी ऐसे, तो एक की वजह से ऐसे, ये तो आपको प्लेन पे दिख जाएगा, लेकिन मुझे बताओ इस प्लेन पे मैं ये कैसे बनाऊं कि अगर एक डी क्यू चार्ज यहाँ पर है और एक डी क्यू चार्ज यहाँ पर है, एक की वजह से ऐसे है तो एक की वजह से ऐसे है, ये तो नहीं दिख पाएगा ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ वाले की वजह से ऐसे है तो यहाँ वाले की वजह से ऐसे, तो मुझे ये समझ में आता है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो भी, हाँ कुछ इस तरीके से छोड़ दो, तो मैं यहाँ पर बोला कि जो हमारे पास पी पॉइंट है, फोकस करिए पी पॉइंट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, सारे डीज ऐसे बनेंगे, अब मुझे इन डीज का बोलो क्या निकालना है, रिजल्ट है, क्या निकालना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, और क्या आपको याद है कि मैंने बोला था जब वेक्टर्स बहुत सारे हो तो आप लोगों को काम आने वाला है रिजॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट, क्या आप लोगों को सभी वेक्टर्स को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या करना है, रिजॉल्व, तो मैं ड्राइव में भी काम आएगा, देखना तुम यहाँ पर, तो मैंने अभी दो ही दिखा रहा हूँ लेकिन है बहुत सारे, पता है कि नहीं पता, लेकिन बोर्ड पर इतने सारे कैसे दिखाओ, तो गाइस मुझे एक बात हो लेकिन समझ में उसी से आ जाएगा, ध्यान सुनना, तो मैंने कहा यार कि देखो कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये रिजॉल्व हो जाए, तो मैंने कह रहा इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ऐसे बढ़ जाएगी, और हम किसी एंगल को अब एक थीटा मान के चलते हैं, किसी एक एंगल को थीटा मानते ताकि हमें ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाए, तो मान लो कि अगर मैंने ये एंगल थीटा माना बच्चों, ये एंगल क्या माना, तो मुझे बताओ जरा, मेरा ये मानना है कि मैथमेटिकली इसको मैं थोड़ा सा मिटो दूं, कह रहा थोड़ा सा अंडू कर दो उसको, ओके सो गाइस अगर ये थीटा है, ए बस रहने दो, ये वजह की बातों पे हंसती रहती है, आगे लोगे तुम लोग, ये देखो अब मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ओए ओए फोकस करो, मैंने ना ये एंगल थीटा माना, देखो ये वाला एंगल मैंने थीटा माना, अब अगर ये थीटा है और ये मैंने वर्टिकल लाइन खींची, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो आप मुझे बताइए अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, फोकस करिएगा बिकॉज ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और मुझे बताओ उसके अकॉर्डिंगली ये वाला एंगल कितना होगा, ज्योमेट्रिकली हिसाब लगाओ कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हैं कि ये लाइन ऐसे ऐसे करके जा रही है, सो अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा, सारे थीटा ही बनेंगे, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि देखो ना, अरे देखो ना सीधा 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 आमने सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ये पता नहीं क्या बहुत बुरा हाल है भाई, इस पे काम करना बंद करेंगे बिल्कुल, अब नहीं करेंगे, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, अगर ये थीटा है तो लॉजिकली नीचे वाला भी थीटा है ना बच्चों, और ये थीटा नीचे वाला थीटा, तो पूरा ये टू थीटा हो जाएगा, तो आधा आधा बांट सकता हूँ ना मैं थीटा थीटा, तो मैंने बस बच्चों ये कहा, ध्यान सुनना, कि ये जो ये वाला एंगल है ना, ये थीटा एंगल होगा, कितना होगा बोलो, क्लियर है, नाजिया नहीं आ रही बात समझ में, अगर ये थीटा है तो मैथमेटिकली ये भी बोलो क्या है, थीटा है, पक्की बात सबको समझ में आ रही है, और मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो डी के जो कंपोनेंट बनेंगे, कंपोनेंट बता दो मुझे कैसे बनेंगे, कंपोनेंट बता दो, तो मैं बोलूंगा सर इधर बनेगा उस डी का, इधर बनेगा उस डी का डी कॉस थीटा, और इधर बनाओ क्या बनेगा, सेम बनाओ इस डी का, बोलो क्या बनेगा, क्योंकि इस डी का यहां पर थीटा होगा तो बोलो क्या बनेगा, डी कॉस थीटा, अब बताओ जैसे ऊपर नीचे वाले दो कंपोनेंट्स ने डी साइन थीटा कैंसिल कर दिया, दोनों का डी कॉस जुड़ गया, ऐसा आपको नहीं लगता कि जितने भी बना रहे हैं, ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, एक ने ऐसे बनाया था, एक ने ऐसे बनाया था, तो दोनों का डी कॉस जुड़ गया, डी साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल,
ऐसे हर एक के साथ होगा नहीं होगा कि सबका जो बन रहा है उनका डी कॉस थीटा जुड़ जाएगा और डी साइन थीटा बोलो क्या हो जाएंगे कैंसिल। पता है तुम लोगों को डी साइन थीटा अगर मैं यहां से देखूंगा तो कैसा दिखेगा, अगर सारे डी साइन थीटा दिखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो कि सारे डी साइन थीटा ने कुछ इस तरह का शेप ले रहे हैं, बोला है कि नहीं, क्योंकि इसका ऊपर इसका नीचे तो साइड वाले किसी कंपोनेंट का डी साइन थीटा ऐसे आएगा, एक का ऐसे आएगा, एक का ऐसे आएगा, एक का ऐसे, समझ नहीं आ रहा पॉइंट। क्योंकि आप लोग सोचिए ना, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं आपको कि अगर ये मेरे पास सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से गुच्छा बनकर निकल रही है यहां से, सबका डी कॉस थीटा सामने बनने वाला है, लेकिन डी साइन थीटा देखो कैसे बनने वाला है, किसी एक का जिसका ऐसे है डी साइन थीटा नीचे बनेगा, जिसका ऐसे है उसका डी साइन थीटा ऊपर बनेगा, कैंसिल। जिसका डी ऐसे है, फोकस करिएगा, जिसका डी ऐसे है, ध्यान से, जिसका डी ऐसे है तो उसका डी कॉस थीटा लाइन में बन गया, डी साइन थीटा ऐसे बन गया ऐसे, और जिसका ऐसे है उसका डी कॉस थीटा ऐसे और डी साइन थीटा ऐसे, तो मतलब सारे डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बट सबके डी कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ नहीं आया तो मैं क्या, नहीं आया तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस ऑन अ रिंग, मुझे बताओ कितना बनेगा, अरे बताओ कितना बनेगा, सारे डी कॉस थीटा जुड़ेंगे, सारे डी कॉस थीटा जुड़ेंगे मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, समझ नहीं आया। अब मुझे बताओ जो ई नेट आएगा, सब बच्चे बोर्ड पर भाई, जो ई नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा मेरा सारे डी कॉस थीटा का सम, अब डी बोलो कितना है, ये रहा डी है 1/4 pi epsilon naught, सब बच्चे ध्यान देना, 4 pi epsilon naught लैम्डा डीएल बाय में बोलो कितना आर स्क्वायर, ये तो डी हो गया और कॉस थीटा। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर आप एक छोटी सी बात देखो, अब समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि आप लोगों को मिलने क्या वाला है, आप लोगों को लैम्डा मिलेगा, ए मिलेगा, एक्स मिलेगा और बाकी सब पूछ लेगा, वो बोलेगा कि भैया इस रिंग के ऊपर इतना लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इतना रेडियस है, इतनी दूरी है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो मेरे को ये थीटा वीटा नहीं चाहिए फॉर्मूले में, क्यों नहीं चाहिए बोलो, क्योंकि थीटा वाला कहां से निकालूंगा भाई, मैं एक बात बताओ ना मुझे वो क्या दे रहा है, विशेष ध्यान सुनना है, वो मुझे क्या दे रहा है, एक दे रहा है इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक रेडियस दे रहा है और एक दूरी दे रहा है, और मुझे सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैं अपना फॉर्मूला किन की टर्म्स में बनाऊंगा, ए एक्स और लैम्डा की टर्म्स में, इसके अलावा कुछ भी इंट्रोड्यूस, समझो मेरी बात को, क्योंकि मेरे को जो चीज मिलेगी मैं चाहता हूं मेरा फॉर्मूला उसी टर्म्स में वैल्यू पुट करूं, निकालू, बोलो है कि नहीं, तो मैं कॉस थीटा को चेंज करूंगा वापस से उन टर्म्स के अंदर जो मेरे को इजीली नोन है, बोलो है कि नहीं, तो कॉस थीटा सब बच्चे बताना मुझे, मैं कॉस थीटा को यहां से क्या निकल सकता हूं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, अरे नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे बताना जरा बोलो क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, अब मुझे बताना जरा इंटीग्रेशन करते हुए जो चीजें कांस्टेंट होती है सबके लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए कांस्टेंट, बाहर निकाल लो सभी के लिए, बोलो क्या कांस्टेंट है, 1/4 pi epsilon naught, इंपॉर्टेंट चीज है, लैम्डा सबके लिए सेम है, लैम्डा सबके लिए सेम है, इंपॉर्टेंट चीज एक्स सबके लिए सेम है, हर एलिमेंट के लिए एक्स कितना है बोलो, ये दूरी है एक्स, तो इसके लिए देख लो, उसके लिए देख लो, सबके लिए एक्स बोलो क्या सेम है, तो एक्स बाहर आएगा, अच्छा नीचे आर क्यूब है, अब आर क्यूब बताना सबके लिए सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, क्यों सर, कोई भी एलिमेंट है उसके लिए आर ये है, देखो ये है आर सबके लिए, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, सबके लिए आर बोलो क्या है, जिसके लिए सबके लिए सेम है तो वो चीज बोलो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो मुझे बताओ मैंने लैम्डा क्यों बाहर लिया, मैंने एक्स क्यों बाहर लिया, आर क्यों बाहर लिया, वन ऊपर फोर सब बाहर ले लिया, बोलो क्या बच गया डीएल, अब मुझे सब बच्चे बताना कि डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब डीएल क्या है सर ये तो बताओ, सर डीएल क्या है, सर डीएल है बच्चों इसकी एक छोटी सी लेंथ, और मैं सारे डीएल अगर जोड़ दूंगा तो पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा जो कि होगा 2πr, रेडियस इसका a माना है तो बोलो कितना आ जाएगा 2πa, कुछ समझ नहीं आ रहा, पक्की बात है, तो मेरे को अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में अभी भी एक प्रॉब्लम सी चल रही है कि वो r तो देता ही नहीं है ना, वो तो क्या देता है बोलो a और x, तो मैं r को भी फाइनली किस में लेके आऊंगा, a और x में, और उसके लिए मुझे एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है कि r तो भैया एक हाइपोटेन्यूस है इसका, तो मुझे बताओ जरा आर स्क्वायर किसके बराबर है, तो मुझे बताना आर कितना आएगा, अरे यार ध्यान दो, आर होएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में क्या एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब पता है तुम्हें पावर हाफ होता है, क्या पता है तुम्हें रूट का मतलब पावर हाफ है, तो मुझे बताओ अगर मैं आर की जगह पे रखता हूं, ए बस फाइनल आंसर आ गया 1/4 pi epsilon naught 2πa λx डिवाइडेड बाय में आर क्यूब है, अब आर ध्यान सुनना आर का क्यूब है तो ये कितना है आर बोलो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और क्यूब हो रहा है उसका तो पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो बोलो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, ये आ गई बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मुझे बताओ जो मैंने फॉर्मूला लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला किन किन टर्म्स में, फोकस करिएगा सब बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सारी टर्म्स एक बार पढ़ के देखना, ये तो तुम्हें आता है निकालना, ये 2 पाई तुम्हें पता है,
अब तुम्हें बताओ रेडिस देगा, वो देगा सर, ए देगा, लैम्डा देगा सर, एक्स देगा, एक्स देगा, ए देगा, सारे पैरामीटर्स पुट होंगे, बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नहीं आ रही बात समझ में, तो मुझे अपना फॉर्मूला लाना है उसमें। अच्छा आपको लगता है ड्राइव बहुत मुश्किल, चार स्टेप का ड्राइव नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो देखो कितने स्टेप, चार से पांच स्टेप में हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन करा कैसे मेरे को वो बताओ, मैंने किस बात का इस्तेमाल करा, मैंने बोला कि पॉइंट चार्ज अपने से आर दूरी पे कितनी बनाता है मुझे ये पता है, तो मैंने ना बस इस रिंग के ऊपर ना छोटी सी डीएल लेंथ में जो चार्ज को पॉइंट चार्ज ही माना, और फिर मैंने बोला कि ए इधर विशेष बात खत्म ना कर तो सुनते रह लो, फिर तुम्हें दिक्कत करेंगे चीजें बाद में, डीएल लेंथ में चार्ज कितना होगा, लैम्डा डीएल होगा, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा ना, पॉइंट चार्ज ही तो है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 1/4πε0 लैम्डा डीएल बाय में क्या आर स्क्वायर, ये सबको समझ में आया था। मैंने कहा जब इसने इतनी बनाई है तो सभी इतनी ही बनाएंगे क्योंकि सबकी दूरी आ रही है और सबके पास चार्ज लैम्डा डीएल ही है, बोलो क्लियर है कि नहीं, छोटी डीएल लेंथ पे, तो मैंने कहा सबने ऐसे ही बनाया, सबका डीए ऐसे बना, लेकिन वो डी जुड़ेगा कैसे, वेक्टोरिकली जुड़ेगा, तो मैंने सबको रिजोल्व करा, जब रिजोल्व करा साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, कॉस थीटा वाले सारे कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जुड़ रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, डी मैंने बोला ये है, कॉस थीटा को मैंने चेंज करा एक्स और आर में, क्योंकि मेरे को पता है अभी ये कॉस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, सो भैया ये आ गया एक्स अपॉन में आर, क्लियर है कि नहीं, और भैया मैंने फिर कुछ नहीं करा, मैंने जो कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया, डीएल बचा, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आएगा, और बस मैंने आंसर किया, बस आर को मैंने लास्ट में ए और एक्स के टर्म्स में लिखा, बिकॉज़ मुझे मिलना ही ए और एक्स से आर नहीं मिलेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का बताओ, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, फिर इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, जल्दी से करो, हाँ बोलो क्या जी। अरे तो ऐसे तो हम बहुत सारे केसेस में कर चुके हैं, इसका कहने का मतलब ये होता है कि नेट बताता है नेट कैसी है, ये नेट सारी ऐसी बनी है, ठीक है, ये नेट बता रहा है, नेट ऐसी सीधी जाएगी, अभी इसको भी ऐड करेंगे, एक बार करो इसको जल्दी से, फिर एक चीज में ऐड कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऐड करेंगे इसके अंदर, बच्चों की थोड़ी सी मस्ती बंद कर दो, ठीक है, क्या हो गया, लो बैटरी, क्लिक कर दो उस पे, ओके पे कर दो, ओके पे कर दो, खड़े होकर कर लो, वीडियो बंद ना हो, क्लियर, एक बड़ी जरूरी स्पेशल केस की बात, ए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, और ये ध्यान सुनिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया इसके ऊपर कुछ पेचीदा क्वेश्चन आया तो वो यही आएगा, वैसे आया ड्राइव तो कर लोगे अब, ड्राइव मुश्किल लगा है ड्राइव, अब तुमसे फाइनल बात करने वाला हूं मैं इसके स्पेशल केस को लेके, आप लोगों से बता रहा हूं, आप लोगों को खुद आंसर निकालना है और देखना क्या निकलेगा, मैंने बोला इफ इफ पॉइंट पी, अब ये पॉइंट पी कौन है, तो ये जो जिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था ये पॉइंट पी है, ठीक है, सो इफ पॉइंट पी इज वेरी फार अवे फ्रॉम रिंग, अगर ये पॉइंट पी इस रिंग से बहुत दूर है, मतलब एक्स बहुत बड़ा है, मतलब एक्स बहुत बड़ा है, तो अगर एक्स काफी बड़ा है ए से, एक्स काफी बड़ा है ए से, मतलब मच मच ग्रेटर भी लगा सकते हैं, एक्स इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो एक्स स्क्वायर तो मच 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं, ऐसा बहुत बार करते हैं हम, आपको पता हो तो अगर हम इस पॉइंट को बहुत दूर ले जाए तो एक्स, यहां ध्यान समझो इंपॉर्टेंट केस है, एक्स स्क्वायर काफी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, तो मुझे बताओ जो नीचे का स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं उसको नियरली क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियरली बोलो क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, इज दिस फाइन, पक्का यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं लग रही, वंशिका को लग रही है, श्योर, अब मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना जरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में पहुंचाने वाला हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान सुनिएगा, सो आंसर आ जाएगा 1/4πε0 2πa, ऊपर रहेगा लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय में आने वाला है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नियरली एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 2 से 2 कटेगा दिस विल बी एक्स क्यूब और मुझे बताओ एक्स क्यूब से एक्स कटेगा तो ये आ जाएगा 1/4πε0 और ये बनेगा 2πa लैम्डा बाय में एक्स स्क्वायर
लास्ट स्टेप में बड़ा अमेजिंग लिखने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं एक बार इसको थोड़ा इधर उधर कर दूं, हम इसको मूव नहीं कर सकते क्या? चलो यार इसी में करना पड़ेगा भाई, कल से इसको इस्तेमाल करना बंद। इधर सुनो, ई नेट वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब टू पाई ए लैम्डा है, कोई बताएगा ये टू पाई ए लैम्डा क्या है? कोई बच्चा? एनीवन इन द क्लास? वेरी गुड वेरी गुड। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज चार्ज ऑन वन यूनिट लेंथ। सो पूरी टू पाई ए लेंथ पे जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज होगा, बोलो है कि नहीं? सो क्या तुम्हें सही लग रहा है कि टू पाई ए इंटू लैम्डा इज द नेट चार्ज ऑन द रिंग? इज द नेट चार्ज ऑन द, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? So this is not the net charge on the ring that is Q by, में बोलो क्या? X square. एक बड़ी amazing सा result मुझे देखने को मिला, मुझे ऐसा लगा कि इसने कुछ ये कहना चाह रहा है कि अगर पूरी रिंग पे नेट चार्ज Q है, पूरी रिंग पे नेट चार्ज, तो X दूरी पे उससे, X दूरी पे उससे कितनी फील्ड बनेगी? 1 upon 4 pi epsilon not Q by में। और मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि एक Q चार्ज कहीं पॉइंट पे रखा हुआ है तो X दूरी पे वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? सेम बनाएगा। मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि एक रिंग जो है, एक रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करती है अगर पॉइंट बहुत दूर है, क्योंकि अगर रिंग पे क्यू चार्ज है तो वो बहुत दूर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट करती है? 1 upon 4 pi epsilon cube by x square। और मुझे बताइए एक पॉइंट चार्ज भी अपने से बहुत दूरी x पॉइंट पे कितनी करेगा? 1 upon 4 pi epsilon cube by x square। तो वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि शो करें, साबित करें कि एक रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है जब कोई पॉइंट उससे बहुत दूर होता है। क्लियर है कि नहीं? तो आप कैसे बोलोगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आया समझ? तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? सो दिस शोज दैट कि रिंग बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, एक रिंग जो है वो पूरे पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करती है व्हेन द पॉइंट इज वेरी फार अवे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रही बात समझ? यहां पर क्या लिखेंगे? इट शोज दैट, अच्छा ये ध्यान रखना, ये आर स्क्वायर वाला उसके साथ है, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर देता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब ये छोटा बड़ा यार, या तो हमें चलाना नहीं आता ना, सेव हो जाती है। चलो चलो इधर सुनो, ए बस। सो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बोलो? ये क्यू बोलो क्या है? नेट चार्ज ऑन रिंग, नेट चार्ज ऑन रिंग। तो मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं और आप लोगों को उसका मतलब समझ में आया तो मुझे बताना। यहां पर मैं लिखने वाला हूं दैट दिस रिजल्ट शोज दैट अ रिंग having charge q will behave like a point source charge at a very far point from the ring। bole hai ki nahi? क्योंकि अगर मैं कोई एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी पूछू ना एक्स दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, आप यही आंसर करेंगे। तो मैंने कहा कि रिंग भी यही आंसर कर रही है, इसका मतलब एक रिंग बिहेव करती है पॉइंट चार्ज की तरह। वन मार्क का क्वेश्चन निकल के आएगा कि एक रिंग कब ऐसा बिहेव करती है जैसा एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, तो आप बोलेंगे एट अ वेरी फार अवे फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द रिंग। वो आपसे ऑप्शंस देगा, सेंटर पे ऐसा करेगी, बहुत दूर ऐसा करेगी, रिंग के सरफेस पे ऐसा करेगी, आपको बताना है बहुत दूर पे ऐसा करेगी। क्लियर होता है कि नहीं होता? देखिए जो भी पढ़ाया जा रहा है ना क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, आपने कितना अच्छे से उसको सुना है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे को नहीं लगता कि ये डेरिवेशंस ऐसी हैं कि अगर एक बार समझ में आ जाए तो बार बार उसको देखने की भी जरूरत है। अगर पॉइंट क्लिक कर चुके हैं दिमाग में कि कैसे कैसे जुड़ के बना है पूरा ड्राइव, तो मेरे को नहीं लगता मुश्किल है। सेम फॉर द गॉस लॉ, जब गॉस लॉ पे मैंने तुम्हें तीन ड्राइव कराए थे ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल कोई ड्राइव नहीं था। बार बार मैं एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा था, मैं क्लोज सरफेस ड्रॉ करता था, मैं एडीएस कॉस थीटा निकालता था और उसको बराबर रखता था नेट चार्ज डिवाइड बाय बोलो क्या एप्सिलॉन। बार बार मैंने यही करा, तो तीन ड्राइव वो करे, एक ड्राइव ये करा, कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट में मुश्किल लग रहा था मुझे बताओ?
श्योर? अब मुझे एक बार बताओ, कर दो इसको आगे, मेरी एक बात सुनो। अभी अगर बात करें लास्ट जो मैंने तुम लोगों को बताया ना, इधर सुनो भाई सब बच्चे। सो कुल मिला के मेरे को ये पता लग गया कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, अब देखो याद कैसे करना है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें क्या दिमाग में अंडरस्टूड करना भाई, कि अगर एक क्यू चार्ज है तो वो क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर जैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी बोलो, उसका फॉर्मूला है बोलो, के समझ दो, के लिख दो, तो दिक्कत नहीं। तो के क्यू बाय में आर स्क्वायर, इससे किसी बच्चे को कोई आपत्ति तो नहीं है। उसके बाद अगर मैं मान लो मैं बोल दूं कि यार मेरे पास एक पॉइंट चार्ज नहीं, मेरे पास एक लाइन चार्ज है, मेरे पास चार्ज जो है वो एक लाइन पे, अब लाइन पे जब चार्ज होता है, यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिफरेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, पॉइंट से निकलती है स्फेरिकली और लाइन से निकलती है सिलेंड्रिकली, ऐसे करके फील्ड निकलती है, वो जो गोल कंघे वाली फील्ड है बेसिकली, है ना, अलग फील्ड पैटर्न है। जब फील्ड पैटर्न अलग है तो आर दूरी पे स्ट्रेंथ भी क्या होगी, अलग। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, पॉइंट सोर्स चार्ज की फील्ड का पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो आर दूरी पे दोनों की स्ट्रेंथ भी बोलो क्या होगी, अलग होगी। तो इसका वो तुम्हें लैम्डा देगा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, और बोलेगा बताओ जरा इससे फलाना आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो मैं कहूंगा भाई उससे तो अलग होगा, और इसका वैल्यू निकल के आया बोलो लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इज दिस फाइन। अब यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप बोलते हैं सर अगर एक शीट आ जाए तो बोलो शीट का फील्ड अलग होता है। अब जब शीट का फील्ड अलग होगा और आपको बोलेगा इसकी सरफेस चार्ज सिग्मा है, बताओ इससे आर दूरी पे कितना होगा, भले ही दूरी पे तुम्हें देगा, बट डोंट बी कंफ्यूज विद द डिस्टेंस, यू नो दैट डिस्टेंस से कोई लेने देने यहाँ पर है नहीं, और ई आएगा बच्चों सिग्मा अपॉन में क्या एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इज दिस फाइन। इसके बाद तुम लोग बोलो क्या बोलोगे, ए क्लास प्लीज, इसके बाद तुम लोग बोलोगे कि मेरे को अगर बच्चों एक स्फेरिकल वो आ गई, एक स्फेरिकल शेल आ गई, और ये बोला कंडक्टिंग शेल के अंदर की इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, और इसके ऊपर चार्ज मान लो कितना है क्यू है, और फिर वो तुमसे एक सवाल कर रहा है कि बताओ जरा इसके बाहर किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से आर दूरी पर, दूरी बताएगा पक्का, दूरी बताएगा। देखो यहां पर दो दूरी है, एक दूरी है स्फेरिकल का स्फीयर का रेडियस, और एक दूरी है जहां पर वो मुझसे क्या निकलना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोलूंगा आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी के क्यू बाय में क्या आर स्क्वायर, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जैसे एक पॉइंट सोर्स चार्ज बनाता है, बोला है कि नहीं। अच्छा मैंने कहा सरफेस पे कितनी होगी, तो मैंने कहा सरफेस पे अगर मैं चला जाऊंगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू बाय में बोलो क्या आर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑन द आउटसाइड पॉइंट एंड द इनसाइड पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। सो क्लियर होता है कि नहीं होता है वाला पॉइंट। उसके बाद तुम लोग आ जाते हो, ए बच्चों क्या चल रहा है तुम लोगों का भाई। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों एक रिंग के केस पे, और रिंग में मुझे ये समझ में आता है कि अगर रिंग के ऊपर कोई चार्ज है और रिंग के ऊपर चार्ज इन्होंने ये बोला है कि लैम्डा है, कितना है बोलो लैम्डा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी बोली है, ए उसका मैंने क्या बोला है बोलो रेडियस, और बोला है कि बताओ एक्स दूरी पर कितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो पहली चीज तो मुझे एक छोटी सी बात और बतानी है तुम्हें, जो मैंने बताई नहीं, कि रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कहां की तरफ बनेगी बोलो, प्लस की वजह से कहां की तरफ बनेगी, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, सबका पता है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी ना, उसका पता बाहर की तरफ है, इसके बाहर की तरफ है, इसकी सिलेंड्रिकल है, इसकी शीट जैसी मतलब पैरेलल है, उसकी स्फेरिकल है, तो इसकी बताऊं बाहर की तरफ बनेगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, कितनी बनेगी। सो ई इतना बनता है बोलो के, फिर मैंने बोला 2 पाई ए लैम्डा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2, बट एट ए वेरी फार डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस रिंग द आंसर इज के क्यू बाय में क्या एक्स स्क्वायर, इज दिस क्लियर। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और लास्ट पॉइंट है बच्चों जो आपको डिस्कस करना होता है वो ये होता है कि अगर मेरे पास एक डायपोल हुआ, डायपोल माइनस क्यू और बोलो क्या प्लस क्यू, और ये बेसिकली कितनी दूरी से सेपरेट है बन लो 2a दूरी से सेपरेट है, मतलब सेंटर से a इधर और a इधर, और मेरे को किसी ने ये बोला कि मुझे तो भैया बताओ आप ये डायपोल अपने से x दूरी पर, अब x दूरी तो कहां से लूंगा, उसका सेंटर से लूंगा, वहां पर एक्सियल पॉइंट पर कितनी फील्ड बनाएगा। अब एक्सियल पॉइंट कहां पर है, आ गया ना समझ में, तो एक्सियल पॉइंट पर मतलब यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ये होएगा k दैट इज इनटू में 2p बाय में आर क्यू, मैंने अगर आर लिया होगा पहले तो, और अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताओ यहां पर कहीं kp बाय में एक्स क्यूब अगर यहां पर कहीं पॉइंट है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो ये जो मैंने तुम्हें 1 2 3 4 5 6 केसेस मैंने कराए हैं बच्चों आप लोगों को, ये क्या बताना चाह रहे हैं सर, ये बताना सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि चार्जेस चाहे पॉइंट पे हो, चार्जेस चाहे लाइन पे हो, चार्जेस चाहे शीट पे हो, चार्जेस चाहे किसी वॉल्यूम पे हो, चार्जेस चाहे दो पॉइंट्स पे हो, चार्जेस चाहे रिंग पे हो, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट करेंगे, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ कितनी कितनी होगी अलग अलग पॉइंट पे वो आपको निकलवाना सिखा दिया है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर्स आएंगे, मान लो किसी का आंसर 50 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है बोलो, 50 न्यूटन पर कूलम, क्या बोलो, कि ये वाली जो फील्ड बना रहे हैं ना उस पर्टिकुलर जगह पर एक कूलम के ऊपर कितना फोर्स आएंगे 50 का,
ये मतलब होता है इसकी वैल्यू का। तो ये अगर पूरा तुम्हें समझ में आया तो तुम्हें जो मैंने सेकंड फेज स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद का वो सारा यही है बस। मतलब तुम्हें ये आना चाहिए समझ में, इसके सारे ड्राइव आने चाहिए और ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए जो मैंने बताया गया। मुश्किल लगा बताओ जरा क्या? चैप्टर मुश्किल नहीं है, देखो स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ी बच्ची देखिए ऐसे ऐसे आने वाले, लेकिन आप एंडिंग में देखिए आपको पता लगता है कि सब कुछ आसान ही था। क्लियर हो रहा है कि नहीं? पक्की बात है। और इससे पहले वाला जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें करवाया था वो बच्चों क्या था देखो, इसके इसके बीच में बताया था, इसके बीच में मैंने तुम लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लक्स का कंसेप्ट कराया। फ्लक्स कुछ नहीं, फ्लक्स बेसिकली क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस व्हिच इज गिवन बाय ई ए कॉस थीटा। बट इफ द फील्ड्स आर नॉट यूनिफॉर्म, एंगल इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, वी कैन से दैट द फ्लक्स इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा। कि हम ईडीएस कॉस थीटा जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स निकल आएगा। और यही बात गॉस ने बड़े इजीली समझाई, उसने कहा कि अगर कहीं पर क्यू चार्ज है तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर उसके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काट करोगे तो ईडीएस कॉस थीटा निकाल के देख लेना, वो आएगा क्यू अपॉन में क्या एप्सिलॉन। मुझे नहीं लगता कि गॉस लॉ भी मुश्किल है, पिक्चर समझ में आती तो फ्लक्स और गॉस लॉ को जोड़ के देख लीजिए आपको आंसर समझ में आ जाएगा उसका। और सारे ड्राइव उसी पे बेस करेंगे नहीं करेंगे, नहीं आ रहा समझ में। इससे पहले मैंने तुम लोगों को बस जो पहला वाला पार्ट था बच्चों वो बहुत इजी पार्ट है, तो क्या ही बताऊं तुम्हें। कूलम्स लॉ तुम्हें पता है 1/4 साल नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाय में क्या आर उसके, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमारा रहता है। अब आज तो उसको रहने दो, वैसे मैं तुम लोगों को कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। मेरे को बस क्लास के एंडिंग में लास्ट में जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना बस 10-15 मिनट पहले याद दिला देना, मैं कूलम्स लॉ करा दूंगा बच्चों, ठीक है? अभी आज नहीं करेंगे इसको, लेकिन मुझे देखो उसका इतना भी अभी इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। आप लोग जितना बताया अगर वो तुम्हें सारा आता है तो तुम्हें चैप्टर पे पकड़ जाना। वो सारा क्लियर है या नहीं है? मुश्किल लगा ये चैप्टर? अब अगले चैप्टर की सुनो, अगला चैप्टर जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट होने वाला है। अब चैप्टर इतना बड़ा नहीं है जितना ये था, ठीक है? अब चैप्टर थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे आपके कंपैरेटिवली, इस चैप्टर के कंपैरेटिवली। सो एक तो आपको छुट्टी नहीं करनी है नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि बहुत बच्चे ना अभी जैसे ही थोड़ा सा छुट्टियों का मौसम आया ना कुछ तो गांव निकल लिए है ना, बोरिया बिस्तरा लेके निकल लिए गांव की तरफ, एक महीना वहां रुकेंगे। तो ये इसी का भी गांव जाने का कॉन्सेप्ट है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करना। ये 12th क्लास है, मजाक में मत लीजिए। दूसरी चीज ए बता रहा हूँ सुनो दूसरी एक बात और सुन लो अच्छे से। मैंने तुम लोगों को ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर तक का है ना आप लोगों को वीडियोस जो है ग्रुप में मिला करेगा, उसके बाद आप लोगों को अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपको पर्सनली मुझे मैसेज करना है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। वीडियो देने से मना नहीं है, लेकिन पब्लिकली वो शेयर नहीं किया जाएगा वीडियो, समझ में आ रही है बात? क्योंकि इससे क्या हो रहा है बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखनी है। और अगर बार बार आप छुट्टी कर रहे हो तो आपको रीज़न देना है कि लगातार आप छुट्टी पे क्यों हैं, 5 दिन की 10 दिन की छुट्टी पे क्यों हैं भैया, तो आपको बता देना भाई मैं ऐसे इस वजह से तबीयत खराब है गांव जा रहा हूं, बटावा जो भी। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? लेकिन वीडियो फिर पर्सनली शेयर होगा, ऐसे शेयर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल चाहिए तो बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात, ठीक है? और पीडीएफ वगैरह शेयर किया जाएगा, पीडीएफ में कोई वो नहीं है, लेकिन वीडियोज लेक्चर पब्लिकली बंद कर दिए जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात? फिनिश करें यहाँ पर। और दूसरा बच्चों 20 तारीख हो गई है, बहुत बच्चों की फीस अभी तक सबमिट नहीं हुई है भाई, तो ये फीस को लेके थोड़ा सा देखो स्ट्रिक्टली अभी मैम रिकॉर्ड बना रही हैं आज और अभी निकल के आई हैं, बहुत सारी बच्चों की फीस सबमिट नहीं हुई है, तो जिस भी बच्चे की रहती है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत बच्चों की फीस ड्यू है। नेक्स्ट क्लास में मैम इसको टाइटली फिर क्लास में बोलेंगी, फिर आप लोगों को कोई बच्चों को बड़ा हर्ट होता है ये चीज़ का कि हमें फीस के लिए बोला। हम वैसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत डिले करेंगे तो फिर हमें थोड़ा टाइट बनना पड़ता है, क्योंकि हर साल सेंटर ईयर एंडिंग में ना बहुत ज़्यादा बैड डेब्ट फेस करता है, और होते आप में से कुछ बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कौन बच्चा, लेकिन कोई बच्चा फीस को लेके फुर्र हो जाता है ना, तो वो वाला सीन हमसे लास्ट में आता ही है, तो इसलिए हम लास्ट में ले आना नहीं चाहते। इससे सब बच्चों को ध्यान रखना है, अब फीस आपको सबमिट करानी है, क्योंकि फीस क्लासेस शुरू हुए ना 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ठीक है? सब नेक्स्ट क्लास में अपनी फीस सबमिट कराओ जिसके भी ड्यू है, ठीक है? चलो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।